अनुग्रहवाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। आज हम लोग विशेष रीति से प्रभु यीशु ने सिखाए हुए प्रार्थना पर थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में पढ़ते हैं। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, प्रार्थना बोला करते हैं। हम बोलते हैं, कंठस्थ करते हैं, अब बोलते हैं, अब हम लोग सोचते हैं प्रार्थना खत्म हो गई। हम लोगों ने जाकर माला विनती बोली, अब सोचते हैं प्रार्थना खत्म हो गई। हम लोग मिस्सा बलिदान में जाकर पादर ने जो कहा उसके लिए उत्तर दिया, आप पर्व प्रसाद ग्रहण करके आए, आप सोचते हैं कि प्रार्थना खत्म हो गई। कुछ गीत गाएं, हम लोग सोचते हैं प्रार्थना खत्म हो गई। प्रार्थना में मेरे प्रिय भाइयों बहनों दो भाग हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना बोला कर, प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना किया कर। इसका मतलब है इसमें थियरी और प्रैक्टिकल। जैसे साइकिल में दो पहिए हैं, दोनों पहियों की जरूरत है। उसी तरह से जैसे हम स्कूल में जाते हैं विज्ञान में पास होने के लिए थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना है, वैसे ही हमारी प्रार्थना में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं। हम सुबह मिस्सा बलिदान में जाते हैं, आओ मिस्सा बलिदान में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु रोटी तोड़ता है, खाता है और कहता है ले लो आओ खाओ। प्रभु यीशु हमें कहता है, वैसा ही हमें दिन भर करने की आवश्यकता है। हमें जो वहां पर चर्च के अंदर होता है वो थियरी है, आओ बाहर आने के बाद पूरा दिन जो हम लोग करते हैं वो प्रैक्टिकल है। यदि एक बच्चा स्कूल में जाता है विज्ञान में थियरी में पास हो जाता है और प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है वो फेल है। उसी तरह से हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं, माला विनती बोलते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, अन्याय करते हैं, गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में फेल हैं और हमारी प्रार्थना फेल है। इसलिए अनेक बार हमारे जीवन में वो सभी बातें हमें प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्रार्थना का सही अर्थ समझने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ऐसी प्रार्थना किया कर। प्रभु यीशु ने हमें ये नहीं कहा ऐसी प्रार्थना बोला कर। इसलिए आज हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन कर देखें, हम लोग केवल प्रार्थना बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन ही एक प्रार्थना होना चाहिए। जैसे एक मछली के लिए कि पानी ही जीवन है, वैसे हर इंसान के लिए प्रार्थना ही जीवन है। आप देखते हैं मछली को पानी से निकाल कर बाहर डाल दो, मछली तड़पने लगेगी। वैसे ही हमारा पूरा जीवन यदि प्रार्थना नहीं बन जाता है तो भी हम तड़पने लगेंगे। कभी कभी हम लोग हमारी प्रार्थना को कंपार्टमेंटल बना देते हैं कि खंड खंड में बांट देते हैं कि जैसे चर्च के अंदर प्रार्थना, बाहर आने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना ही जीवन बनने की जरूरत है। अब प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है प्रार्थना करते समय ऐसा किया करो, ए अब्बा पिता। यानी हर इंसान को जानने की जरूरत है ईश्वर हमारा पिता है।
अब उस पिता के साथ हमारा संबंध होना है, ये बात हमें सिखाता है। जब ईश्वर हमारा पिता है तो हम उसके बच्चे हो गए, अब हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है और हम सभी भाई बहन हैं। इसलिए हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रभु येसु के दिल में किसी के बारे में भेदभाव नहीं था, उसी तरह से हमारे बीच में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि पेतुस कहता है ईश्वर पक्षपात नहीं करता, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी राष्ट्र के लोग उसके बच्चे हैं और हम सभी भाई बहन हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है। केवल अब्बा पिता का ना काफी नहीं है, आप उसको हमारे जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। ना केवल अब्बा पिता कहना, बल्कि उसका स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। शायद आप लोगों ने एक हाथी के बच्चे को देखा होगा। हाथी का बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? हाथी जैसा होता है। एक शेर के बच्चे को देखा होगा, शेर के बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? शेर के जैसा होता है। एक बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, बिल्ली के बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? बिल्ली जैसा होता है। वैसे ही हमारा स्वभाव हमारे पिता के समान, ईश्वर के समान होने की आवश्यकता है। जब अब्बा पिता हम कहते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग उसके बच्चे हैं। आगे हम कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, हमारा पिता स्वर्ग में है, स्वर्ग का वासी है। ये बात हमें जानने की जरूरत है। जब हम लोग ये बात समझ जाएंगे, हमारे इस दुनिया में जीने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही जिएगा। यदि हम स्वर्ग के वासी हैं तो हमें स्वर्ग के वासी के जैसा जीने की आवश्यकता है। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 15 उसकी पद संख्या 18-19 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि संसार तुम लोगों से वही करें तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे वह किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रभु हमें समझाता है, हम संसार के नहीं हैं तो कहां के हैं? तो हम स्वर्ग के हैं। हम स्वर्ग से आए हैं, थोड़ा समय यहां बिताएंगे और स्वर्ग वापस जाएंगे। हमें यह बात समझने की जरूरत है। अक्सर हम सोचते हैं हम संसार के हैं, इसलिए संसार के रीति रिवाजों के अनुसार जीते हैं। यदि हमें यह बात समझ में आएगी हम स्वर्ग के हैं, तो हम स्वर्ग के वासी जैसे जीने लगेंगे। इसलिए प्रभु हम कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। यदि हम लोग उसी सुसमाचार योहन के सुसमाचार अध्याय 17 उसकी पद संख्या 14 से पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है, संसार ने उससे वह किया है, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु कहता है कि प्रभु येसु भी संसार का नहीं है, आओग हम लोग भी संसार के नहीं हैं। अनेक बार संसार के लोग हम लोगों पर अत्याचार करते हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं कि हम लोगों पर, ईसाइयों पर, प्रभु येसु पर विश्वास करने वालों पर ही यह अत्याचार क्यों होता है। अधिकांश समय
अब इसका उत्तर हमें प्रभु बताता है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार के लोग हम पर अत्याचार करते हैं और हमारा विरोध करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम पर अत्याचार किया जाता है तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ये जानने का मौका है कि हम संसार के नहीं हैं, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं, हमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात प्रभु कहता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। हम प्रभु का नाम कैसे पवित्र कर सकते हैं? प्रभु का नाम तो पवित्र है, पर हमारा आचरण और हमारे व्यवहार के द्वारा हम लोग प्रभु का नाम पवित्र और अपवित्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक गांव में एक बाप का अच्छा नाम है, आप उसका बेटा और बेटी गलत काम करते हैं, उस समय कोई भी बेटा और बेटी से नहीं कहता है तुम्हारा नाम क्या है, वो पूछते हैं तुम्हारा पापा का नाम क्या है। और पापा शायद अच्छा है, पर बेटा और बेटी ने उसका नाम अपवित्र किया है। उसी तरह से प्रभु यीशु के अनुयायी जब गलत काम करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम प्रभु का नाम अपवित्र करते हैं। हमें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा हमें प्रभु का नाम पवित्र करना है। आगे हम कहते हैं, तेरा राज आवे। प्रभु का राज कहां आना है? इस धरती पर। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, सभी लोग कहेंगे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, पर नरक में जीते हैं, अपने परिवार को नरक बनाए का है और स्वर्ग जाने की आशा करते हैं। पर प्रभु कहता है कि प्रभु का राज, स्वर्ग राज हमारे परिवार में आ जाए, हमारा परिवार स्वर्ग बन जाए। और जो यहां पर स्वर्ग बनाता है वही स्वर्ग में जाता है, जो यहां पर नरक बनाता है वो नरक में ही जाता है। इसलिए आप जो है कि सतर्क रहें, धोखे में ना रहें। यदि आपको स्वर्ग जाना है, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को स्वर्ग बनाइए, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। केवल कहने से नहीं होता है, करने से होता है। यदि कहने से होता तो अच्छी बात है, जब दोपहर हो जाता मैं आप सबों को एक प्लेट देता और कहता कि कहो भोजन आ जाए, अब आपके प्लेट में भोजन आएगा, आप खाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, कि ऐसा नहीं होता है। आपके प्लेट में खाना आना है, पहले रसोई में जाके उसको बनाना पड़ता है, तब आपके प्लेट में आता है। उसी तरह से आपको स्वर्ग में जाना है, पहले अपने जीवन, परिवार और समुदाय में आपको स्वर्ग बनाना है, तभी हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए प्रभु हमें कहता है धोखे में ना रहें। और आगे हम कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा हमें अपने जीवन में पूरी करने की आवश्यकता है। यही प्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा है। उस जैसे मनी बाग में देखिए, इस जैसे मनी बाग में जब प्रभु जो है उसके लोहे पटकर लहू बहने लगा, उस समय भी वो कहने लगा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमें हमेशा प्रभु की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। हम लोग एपेसियों का पत्र उसका अध्याय 5 उसकी पद संख्या 10 में हम कहते हैं कि तुमको देखना है कि प्रभु के लिए क्या प्रिय है, क्या अच्छा है, वही करना है हमारे जीवन में। और प्रभु की इच्छा पूरी करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना है। ये बात प्रभु हमें समझाता है। आगे हम लोग कहते हैं, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज, ये आज शब्द बहुत मुख्य है। यदि हम लोग देखें कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ,
स्वर्गदूत इस धरती पर आए, स्वर्गदूत ने धरती पर आकर स्वर्गदूत ने की गडरियों से कहा कि बैतलहम में आज तुम्हारे लिए मुक्तिदाता जन्मा है। कि स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि जो है कल तुम्हारा मुक्तिदाता जन्मा है, बल्कि कहा आज, आज कल कभी नहीं आता मेरे प्रिय भाई बहनों। जो बीता हुआ कल, जो आने वाला कल कभी नहीं आता है, आज हम लोगों के लिए मुख्य है। इसलिए प्रभु कहता है आज की रोटी आज हमें दे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रभु येसु जकियुस को देखता है, वो पेड़ के ऊपर बैठा था। अब जकियुस से कहता है जकियुस नीचे उतरा, आज मैं तुम्हारे घर में आऊंगा आज। अब प्रभु येसु उसके घर में जाता है। घर में जाने के बाद जब जकियुस कहता है कि मैं एक के बदले चार लौटा दूंगा, आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, तुरंत प्रभु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हमारा प्रभु आज का प्रभु है, अभी का प्रभु है, तुरंत वो हमारे साथ है। वो कल नहीं, बीता हुआ कल नहीं, आज। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु येसु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके बगल में जो डाकू भी जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक ने कहा प्रभु जब आप अपने राज्य में जाएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। और तुरंत प्रभु ने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हम आगे कहते हैं आज की रोटी, या आज की रोटी क्या है? क्या गेहूं की रोटी है या मक्के की रोटी है? आज की रोटी गेहूं और मक्के की रोटी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज की रोटी प्रभु येसु है। प्रभु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। इसलिए प्रभु येसु कहता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं, बल्कि ईश्वर के शब्द मुंह से निकलने वाले हरेक शब्द से जीता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, यानी हम शर्त डालते हैं पिता हमारे बोलते समय, यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं और जैसे क्षमा करते हैं वैसे ही मुझे क्षमा कर, यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा मत कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा करना बहुत कठिन है, हर एक इंसान को कठिन है, क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों को दुख देना नहीं चाहता है, पर हम लोग किसी के चलाहे चलते हैं। एक शराबी को देखिए, शराब पी के आता है, घर में उदम मचाता है, बीबी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, दूसरे दिन पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तुरंत वो कहता है मुझे मालूम नहीं था कि मैंने क्या किया। किसी को क्रोध आता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, किसी की पिटाई भी करता है, दूसरे दिन जब शांत हो जाएगा उसे पूछिए कल आपने ऐसा क्यों किया, वो कहता है मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि क्रोध उसको चलाता था, उस शराबी को शराब चलाता था। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हमें चलाती हैं। किसी को क्रोध चलाता है, किसी को नशा चलाता है, किसी को वासना चलाती है, किसी को लालच चलाता है, इस तरह से अलग अलग चीज हमें चलाती हैं, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। जब हम एक दूसरे को समझ जाएंगे तब हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे और हमें क्षमा करना आसान हो जाएगा। ये बात प्रभु हमें समझाता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, अब हमें परीक्षा में ना डाल। यदि हमें प्रभु परीक्षा में डाल देगा, यदि प्रभु हमारी परीक्षा लेगा, तो हम में से हर एक व्यक्ति उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें
रोजाना प्रभु से कहना है कि प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल। पर प्रभु ये भी कहता है प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन बताता है कि हमारी जिंदगी कैसा है। प्रलोभन एक मौका है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ कहना या ना कहना। जब हाँ कहते हैं तो हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और जब जो है प्रलोभन हमारे जीवन में आता है तो हम हमेशा जो प्रभु को हाँ कहें और शैतान को ना कहें, यही हमें प्रभु बताता है। अनेक बार जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है कि हम प्रभु को ना कहते हैं और शैतान को हाँ कहते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ जुड़ना। और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए हमें प्रभु को हाँ कहने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु को हाँ कहेंगे तब हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। हम कहते हैं हमें परीक्षा में ना डाल, हमें बुराई से बचा। कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोल के आता है और दूसरे दिन फिर से झूठ बोलता है। वो कहता है आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, दूसरे दिन जाके फिर से चोरी करता है। कोई व्यक्ति कहता है आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, दूसरे दिन जाके फिर से पीता है। क्योंकि हम बुराई से अकेला बच नहीं सकते हैं, शैतान हमसे भी शक्तिशाली है। और शैतान हमें जो है पाप में ढाल देता है, इसलिए हमें प्रभु की जरूरत है। प्रभु हम लोगों से कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, और इसलिए कि हमें बुराई से बचने के लिए पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा हमें सभी बातें समझाएगा, प्रभु की आत्मा हमें प्रभु की हर एक बात को याद दिला देगा, और हम पवित्रता की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रभु ने हम लोगों को एक सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे पिता हमारे, इस प्रार्थना को हम नित्य बोला करें। बोलते समय केवल शब्द नहीं बोलें, उसको उसके बाद करने की कोशिश करें। हमारे जीवन में जैसा प्रभु ने बताया है वैसा ही हमें करने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है, इसलिए थोड़ी देर मनन चिंतन कर देखें हम कितनी समय से हे पिता प्रार्थना बोलते आए हैं। पर केवल हम लोग हे पिता प्रार्थना बोलते हैं या उसके अनुसार करते हैं? यदि अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो आज से हम लोग ऐसा करने की कोशिश करें, और एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। और जब हम हे पिता हमारे बोलते समय हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आओ हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। अंतिम दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये अंतिम दो वाक्य आप बोलते गई है, ये प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा। और हमें प्रभु परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, और हमें बुराई से बचाएगा। इसलिए आइए बड़े भक्तिभाव से इस वक्त जो है दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप कहिए ये प्रभु येसु आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही
हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु। आज तक हम सोचते थे प्रार्थना करने का मतलब है प्रार्थना बोलना, आओ ये भी सोचते थे मंदिर में प्रार्थना करना बाहर आने के बाद कुछ भी चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज हमें समझ में आया कि हमें प्रार्थना करना है, इसमें दो भाग है, थियरी और प्रैक्टिकल, और दोनों को पूरा करना है, और हमारा जीवन ही प्रार्थना है, ये समझ में आया प्रभु। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेरा पूरा जीवन ही प्रार्थना बनाना चाहता हूँ और जीना चाहता हूँ, और जो प्रार्थना बोलता हूँ उसी के अनुसार करनी करना चाहता हूँ। मेरी कथनी और करनी एक जैसा होने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दे, आशीष दे, ताकि मैं तेरा सच्चा बेटा और बेटी बन सकूं। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।